मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनका मानना है कि दान ऐसे करो कि अगर बाएं हाथ से करो तो दाएं हाथ को पता भी ना लगे। वो हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। हाल ही में SRK ने एसिड अटैक सर्वाइवर से मुलाकात की थी और उन पीड़ितों के साथ वक्त भी बिताया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई। वहीं अब एक बार फिर कुछ ऐसी खबर हमारे हाथ लगी है जिसे सुनकर उनके फैंस भी काफी खुश होंगे। बता दें कि हाल ही में SRK ने वुमेन्स डे के मौके पर अपने NGO के थ्रू लगभग 50 एसिड अटैक सर्वाइवर्स की सर्जरी कराई थी और ये सर्जरीज दिल्ली और वाराणसी के दो हॉस्पिटल में की गई थी। अब खबरें हैं कि शाहरुख के फाउंडेशन की तरफ से जल्द ही कोलकाता में भी 40 से 50 सर्जरीज कराई जाएंगी। बता दें कि बीते दिन जब शाहरुख ने एसिड अटैक सर्वाइवर से मुलाकात की थी तो उसकी फोटोज उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इन बहादुर लड़कियों के लिए प्रार्थना करें, भगवान इनकी जिंदगी की नई शुरुआत में इनका साथ दें। तो देखा आपने, SRK का लोगों से कहना है कि वो एसिड अटैक्स जैसी चीजों को रोकने में मदद करें। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जिंदगी पर बेस्ड एक फिल्म भी आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक ऐसी लड़की के किरदार में दिखेंगी जिसके चेहरे पर एसिड से हमला कर दिया गया था। हाल ही में इस फिल्म से दीपिका का एक लुक भी सामने आया था। बता दें कि ये फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी।
आदिल। आदिल आजा। एटी फोर अजय, हम खाना भी नहीं खाए। अरे सर साथ में सर मैम के साथ। गौरी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे स्टार्स के घर के लिए डिजाइन करते, यहाँ भी आपने ये मेरा दिस माय थर्ड रेस्टोरेंट व्हिच आई हैव डिजाइन्ड, इट्स कॉल्ड सैंचोस एंड टुडे इज द ओपनिंग नाइट एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर विद अस टुडे हु आई हैव टू इम्प्रेस एंड आई होप यू आर इम्प्रेस्ड टुडे। या मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ, जितने रेस्टोरेंट ये खोल रही है मुझे फ्री खाना मिलता है वहाँ पे, सो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैक्सिकन हो गया, इससे पहले भी जो था, और एक कौन सा पुणे में है, अर्थ इन बॉम्बे, अर्थ पुणे, ऐसे रेस्टोरेंट खोलती रहे, फिर हम लोग भी यहाँ पर आके सब के सब जो है अगली पार्टी में ही करेंगे। एब्सोल्युटली, वी ऑलरेडी हैव द कस्टमर्स हियर, सो आई होप, इट्स अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट है ये एंड द शेफ हैज डन अ वंडरफुल जॉब एंड इट्स द रेस्टोरेंट, इट्स स्पेशल बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द फूड आई थिंक द इंडो आउटडोर वाइब ऑफ द स्पेस आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वार्म इनवाइटिंग एंड in Bombay people love to go out, you know, be outdoors more than just staying in, you know, cooped up in their homes and stuff, so I think this place is just to relax and just it's more like a day restaurant and I hope everybody enjoys the space we've designed and I hope you like it. I like it, lovely, so yaar mujhe bahut acha laga, main yahan aata tha pehle bhi, but iska jo khula pan hai mujhe bahut acha laga aur iska jo bathroom hai wo bahut acha hai। हाँ, जेन्युइनली अच्छा, मुझे मैक्सिकन रेस्टोरेंट वैसे ही पसंद, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, और घर के पास है, तो मैंने जैसे कहा हमारे जितने भी मीडिया इंटरेक्शन होंगे यहीं करेंगे। हाँ, तो इनको अलाउड नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए, ओनली द रेस्टोरेंट व्हिच आई हैव डिजाइंड ही हैज टू ओनली विजिट दोस, सो दैट्स।